वो विधायक जी का जो है आवास वो खाली कराना है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी नियुक्ति हुई, प्रतिनियुक्ति हुई है, तो हम यहाँ हैं। ऐसा कहा गया था कि खरवास के बाद यहाँ पे आवास आवंटित होगी? नहीं, ऐसा कुछ मुझे जानकारी नहीं है। मुझे अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश है, उसी के आदेश के आलोक में यहाँ पे आई ने मुझे चुन के भेजा है। और सुर्खियाँ में मुझे रहने का शौक तब होता अगर ये आवास को दाना दुकान विभाग कर दिया होता और मुझे चाबी दे दी तो मैं नहीं आता और मैं हरधर्मिता करता तो सुर्खियों में मैं रहता। अब दूसरीदार यहाँ सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, भवन निर्माण विभाग दूसरीदार है या मैं दूसरीदार हूँ, आप स्वयं देख लो ना भैया। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया ना, मैं तो यहाँ हूँ। मैं मुझे जिस आवास में आना उस आवास की स्थिति देखने के लिए मैं आया हूँ, सवेरे से मैं आया हूँ। और मुझे पता चला कि मेरे पुराने आवास पर मजिस्ट्रेट बैठा दिया गया, मजिस्ट्रेट आप बैठाए हो तो पहले इस आवास को कम्प्लीट करके हमको दो। अगर मैंने आवास में नहीं आता तब मजिस्ट्रेट बैठाते मेरे आवास पर। कौन आवास को? अभी हम खाली कहाँ किए हैं? खाली हम कहाँ किए हैं? अभी तो कहाँ सामान आए, तो काम फाइनल होगा तो हम आएंगे यहाँ पे। जैसे मेरा ये घर कम्प्लीट हो जाएगा हम यहाँ आ जाएंगे ना। वो तो विभाग बताएगा, उस सरकार से पूछिए ना, वो जो काम करवा रहे हैं उनसे पूछिए। मैं ठेकेदार हूँ क्या? मैं काम करवा रहा हूँ क्या? आप विभाग से पूछो ना, सरकार से पूछो कितना दिन में हमको फाइनल दे देगा। जब दे देगा मैं आ जाऊंगा। जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।